मोमोज चटनी बनाने के लिए हम एक पैन में पानी गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे। यहाँ पर मैंने लगभग 1 कप पानी यूज़ में लिया है। मैंने यहाँ पर 8 से 10 लाल साबुत मिर्च यूज़ में ली है। और 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, जिनको कि मैंने बीच में से कट कर लिया है। देखिए दोस्तों, पानी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे। और टमाटर भी डाल देंगे। और अब हम इसे कुछ देर के लिए ढककर पका लेंगे। देखिए ये पककर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी स्किन हटा लेंगे। मैंने इसे 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल किया था। देखिए इसकी स्किन कितनी इजीली निकल रही है। अब हम इसे एक ब्लेंडर जार में डाल लेंगे। हम इन सारी मिर्च को इसमें डाल देंगे और जो पानी हमने यूज में लिया था उसे भी हम इसमें डाल देंगे, ताकि पेस्ट अच्छे से बनकर रेडी हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम इसे चेक कर लेंगे कि ये बनकर रेडी हुआ या नहीं। अभी इसमें कुछ लम्स हैं, हम इसे एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे, ताकि ये अच्छा स्मूथ पेस्ट बन जाए। देखिए हमने इसे फिर से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे एक पैन में निकाल देंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके की हो गई है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसमें अब बारीक चॉप किए हुए लहसुन डाल लेंगे और बारीक चॉप किए हुए अदरक को डाल लेंगे और इसे कुछ देर के लिए भून लेंगे। देखिए अब लहसुन और गार्लिक हल्का ब्राउन हो चुका है। इस कंडीशन में हम चटनी ऐड करेंगे इसमें, और इसमें एक छोटा चम्मच सोया सॉस डाल लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबसे लास्ट में हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप इसमें बहुत कम यूज में लें, क्योंकि सोया सॉस ऑलरेडी सॉल्टी होता है। अब हम इसे एक पैन में खाली कर लेंगे और एक सर्विंग बाउल में इसे निकाल कर सर्व कर देंगे। तो लीजिए, हमारी वेज मोमोज चटनी बनकर रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।